वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, आज तो बड़े पुराने क्लाइंट्स आ रहे हैं भाई, बैठो। वकील साहब, वकील साहब, आपको तो मालूम है टाइगर के जितने भी लेफ्ट राइट काम होते हैं ना, उन कामों के लिए आप ही सूट करते हैं, इसलिए ये बंदा आपके सामने हाजिर हो चुका है। बोलो टाइगर, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? वकील साहब, वो लास्ट टाइम आपने जो मुझे नकली पेपर बना के दिए थे ना, एकदम ओरिजिनल की तरह काम किया उसने। इस बार भी मुझे कुछ पेपर्स बनवाने, ये घर की फाइल है, चेक करें कुछ हो सकता है इसका। लगता है पाकिस्तान में सेटल होने का इरादा है तुम्हारा। बोल साहब। वकील साहब, जो बंदा एक बार बाहर की हवा खा के आ जाता है ना, इस मुल्क में ज्यादा टिक नहीं पाता। यूं ही समझ ले आपके पास एक महीने का वक्त है। तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। एक महीने? कैसे? तुम्हारा काम हो जाएगा, फाइल डुप्लीकेट भी बन जाएगी, मगर साइन ओरिजिनल चाहिए होंगे मालिक के। वकील साहब, यही तो सबसे बड़ा बिग बिग प्रॉब्लम है। एक तरीका है मेरे पास। क्या? बुल्ज़ाई! वकील साहब, ता 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 वकील साहब। ओ मखो, मेरी दवाई लिया? तुझे कुछ भी कह दो ना, वो काम होता ही नहीं है। आपका काम तमाम हो चुका है? काम तमाम कर दिया? मेरा मतलब है कि बस लॉयर आने वाला है, आप एक काम करें जल्दी से इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दे, मेरा मतलब है साइन कर दे। मेरा तूने काम कर दिया तो कितना अच्छा है ना। सीख सीख सीख। हो गया? Congratulations! Just, just, just! Work has been done, Popos! मैं बस अभी वो लॉयर को लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। और मैं अपनी दवाई को ले लूँगी। मक्को! वो कितने रह गई हैं? कोई काम नहीं करती है। दवाई भी मेरी खाली होगी। ओए, ओए, ओ गुंडिया, ओए की किता है तू? है? Pop, stop! I always stick with my morals. Okay, so don't interrupt me. Varna, you know, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें सब लोगों का फायदा है। So, ओए, what? वो पागला मरवाना दे। पता नहीं क्या ना चक्कर इस लगा रहा है। एक बात कहूँ? हाँ। मैं सोच रहा था कि, so मैंने तुम्हें पहली बार देखा, फिर जब हम मिले। कहानी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था तुम्हारा, हफ्ते में एक रात अपने लिए जीना, बाहर जाना। Don't you feel like doing it again? I do, but क्या करें शौकी, जब से निराली जी की तबीयत खराब हुई है दिल ही नहीं करता। बस यही दुआ रहती है कि किसी तरह वो ठीक हो जाए। और मैजिक कार की याद भी आती होगी? बहुत ज्यादा। मतलब सोचो ना, पता नहीं कहाँ होगी बेचारी मेरी मैजिक कार, किस हाल में होगी। ओए फूल वाला, वो देखो। अब फूल क्यों चाहिए? निराली जी के लिए ना। फ्लावर्स मेक्स गर्ल्स हैप्पी। लड़की? हाँ। इसे नहीं कुछ ज्यादा होना है, एक तो वो लड़की कहीं से नहीं है और फूल। अच्छा ना, ले लेते हैं। ओके फाइन, वैसे भी आप कुछ कहें और हम ना मान, ऐसा हो सकता है। थोड़ा पीछे रह गया, मैं लेकर आता। तन? मासून, एक अच्छा सा वो क्या कहते हैं बुके निकाल और उसमें बड़ा बड़ा सा लिख दे, आई लव यू जोया, मेरी जान, भरपूर, ठीक है, बड़ा बड़ा देगा। जोया जोया, ओ जोया जोया, हे अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? ये सवाल तो मैं तुझसे भी पूछ सकता हूँ। वैसे तेरा ये सवाल मुझसे पूछना बनता नहीं है, पता है ना तू नौकर है, नौकर है। फूलों की दुकान है,
पकौड़े लेने तो आऊंगा नहीं। हाँ तो मैं कौन से पकौड़े लेने आया हूँ, मैं भी तो फूल लेने आया हूँ। अपनी क्यूटो प्यारो प्यारो जोया गेट, तू किसके लिए लेने आया? सुना मैंने फॉर जोया विद ऑल द लव, इंटरेस्टिंग। हाँ क्यों, तुझे एतराज है? तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि टाइगर वर्सेस टेडी बेयर का बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। ये फूलों की दुकान जो है ना, गोलियों में और बारूद में तब्दील होने वाली है। डस डस डस। किसी गरीब की दुकान है, इसे क्यों बर्बाद करना? तुझे मुकाबला ही करना है तो किसी ऐसी जगह करते हैं जहां कोई रोकने वाला ना हो। मसलन पहले सोच ले, बुलाऊंगा तो आएगा ना? अबे तेरे जैसे शौकियों को मैंने अपनी उंगलियों पे नचाया है। चल बे, जगह टाइम मैसेज कर दूंगा। और अगर हार गया तो? मैं हार जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू जीत जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, आया आया, आता हूँ अभी। क्या दिन थे भाई, बंडे जी जरा बात सुनो। फौरन से पहले जा घर के सारे मेम्बरान को लॉन में जमा कर। क्या होने वाला है? बिग सरप्राइज बुल्सआई। यू नो टाइगर जो है वो एक बड़ा गेम शो प्लान करने वाला है। गेम शो? या अच्छा सोच क्या रहा है? चल जा जा, सब जा, सबको सबको ले ले, चल सबको मिला। अब कौन सा सरप्राइज देने वाला है ये? पता नहीं, मैं भी यही सोच। मुझे तो डर लग रहा है शौकी, कहीं वो कहीं वो कहीं वो सबके सामने मेरा हाथ ना मांग ले। ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बारे में मैं उसे ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका। लड़ाई हुई है तुम्हारी उससे? हुई नहीं, बस होते होते रह गए। कब, कहां, कैसे? कल शाम तुम्हें घर छोड़ने के बाद। बताते तो सही। वो इतना अहम नहीं है कि उससे रिलेटेड हर बात बताऊंगा मैं। हाँ लेकिन तेज बहुत है वो। आई नो हिम, ही गेट व्हाट ही वांट्स। पर उसे ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है। जो कर रहा है करने दे, मैं भी देखता हूं कितनी दूर तक जाता है। चीरो मारी बख्तो मैनू ऐ ते दसो हो की रहा थे, इतनी सारी है ये चेहरे पड़ी हैं, क्या है ये, क्या है? कोई फंक्शन करा रहे हो तुम? को ढोलकी रख ली है तुमने किसी की बर्थडे की, अपने दोस्तों की, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Come on Phupoz, why are you always in tension? देखें गेम किसी और की नहीं है, गेम हमारी भी हो सकती है, दावत हमारी भी हो सकती है, टेंशन क्यों ले रही है आप? ओए गाल छोड़ो टैगर, ये कई तेरा वियाशिया का प्रोग्राम तो नहीं है? पॉप से राधा तो वही था, लेकिन लेटर ऑन फिलहाल हम जाएंगे एक वर्ल्ड गैम्बलर गेमिंग जोन में। हाय ऐ की कह रहा है, अब हम भी स्टेज में गेम खेलेंगे। बात होगी, अब मैं तो जवान हूं, खेलेंगे फिर। अरे मॉम परेशान मत हो, बहुत मजा आएगा आपको। वो क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर गेम है ना मॉम। म्यूजिक की बीट पे तेज हार्ट बीट और सबकी नजर कुर्सी पे, और गेम का नाम है मेहमान कौन। और आपको पता है जैसे ही कोई पहला कुर्सी में बैठेगा तो फिर तो ये गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस घर में मेहमान तो एक ही है और वो तुम हो। रियली गेम तो तुझे खेलना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेरे साथ, सबके साथ। गेम विल स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। बॉब्स एंड द गेम स्टार्ट नाउ। म्यूजिक बजाओ, कम कम कम। Thank you.
टाइगर जिंदा है। आ जाओ चित गया तू। ओह मेरा पुत्र। I'm so proud of you my son। तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इनका बेटा कुछ जंग जीत आया हो। और क्यों हैरान हो गया चित गया यार। पॉप्स 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 मैं आप लोगों को एक बात बताता हुआ चलूं कि जो इस गेम में आखिर में कुर्सी में बैठेगा वो इस गेम का विनर होगा और साथों साथ इस घर का मालिक होगा। की कह रहे हैं तू? सच कह रहा हूँ फोको, जो आजकल कुर्सी पे बैठता है पावर उसी के हाथों में होती है। यूप यूप। ओए की बकवास कर रहा टाइगर यार, निरालिनो इस तरह की गल्ला नहीं पसंद यार। पायन इसको चुप कराए, इसको चुप कराए, मैं इसको ना पंग दूंगी इसकी। ये जो ना कहना है इतनी लंबी, ये पंग दूंगी मैं इसकी। तो समझा ले आप, बकवास किए जा रहे हैं, निकल जाए चाहूं। प्रपोज मैं सच कह रहा हूं, आपने खुद अपने हाथों से इन पेपर्स पे साइन किया था और ये बंगला मेरे नाम कर दिया था। क्या बकवास कर रहा है, झांपड़ खाएगा तू मुझसे? मैंने कभी किया ही नहीं साइन। ये क्या बकवास कर, मैं तुझे मारूंगी, मैं जूती उठा लेनी है। पायन इन्हें समझा लो कि मैं मारूंगी इन्हें। एक तो इस घर वालों का बड़ा प्रॉब्लम है, रिपीट कैसे चल रहा है? अरे मेरे कहां से आया बकवास कर रहा है? देख ले आप पेपर जो क्या है देखो। और निराली ओ ठंडी हो जा, ठंडी मैं इन्हें समझा। ओ इधर चल, पागल हो गया है। मैं देख पुत्र की कीता ही क्या हुआ इसको है? मैं तेनू भी बाजी जी पागल हो गया थे। शिंदे जी बात कर रहे हैं ना? शिंदे जी बात कर रहे हैं। My very expensive super elite shirt. Hey, ki nawa drama kita tu? Oh my God, God, God! What are you doing, guys? Ek to Tiger ne itni fun way mein itni important news aap logon se share ki, aur aap logon ne fun way mein left right kar di. How shame, shame, shame. Oh hey, aur tan pata nahi teri phupo nirali di tabiyat theek nahi hai. Is tarah da mazak bardasht karegi wo? Oh really? Oh really? Ya aap keh rahe? एदम मतलब है वो जड़े कागज सर। यस 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 पॉप्स, जो आप इतने अरसे में ये काम नहीं कर सके ना, टाइगर ने कुछ ही दिनों में कर दिया। दिस इज कॉल्ड हैवी हैवी स्कल एंड यू नीड टू टेक अ क्लासेस फ्रॉम मी पॉप्स। ओ हेडमास्टर दे पुत्र, मैंने तो दसना थी कोते दा पुत्र। No, 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 Pops, don't curse yourself. You are insan da putar, not a gadhe da putar. Now here's new king. Oye, oh, Niralinu ki jawab de banga main. To sabko keh dijiyega ki next meeting Tiger karega 5 baje. So enjoy. Oye, ye kis tarah di aulaad ditti hai mera maula? Ye te bada beizzat karayega. सानू भी कटाएगा इस घर को। वो हमारे साथ इतना बड़ा हैंड कैसे कर सकता है? और आप मॉम, ये आप ही की सिग्नेचर्स है ना? आहो इट्स ओके निराली जी, हुआ तो हमारे साथ फ्रॉड ही है, लेकिन प्लीज आप टेंशन ना लें, हम सब आपको इस चीज में अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाजी मैं तो वो तू तो पीछे हो जा, पीछे हो जा, मेरे करीब ना आना, मैं तेनू ना पाल देंगी। सोचा था पूरी दुनिया से धोखा खाया है लेकिन अपने मुझे धोखा नहीं देंगे भाई बाप, लेकिन ये तो साफ निकले। बाजी तुसी स्वेयर चुकवा लो मुझसे, मैंने तो पता ही नहीं था, मेरे तो एंजल्स को भी खबर नहीं थी सबकी। पर आप ना बिल्कुल फिक्र नहीं करो, डोंट वरी, मैं जाके खुद विटनेस करती हूँ, मैं पूछती हूँ उसको जाके, आप फिक्र ना करें। टाइगर ड्रामे बनाली जी, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? प्लीज खुद को संभालें। क्या संभालूं? मेरे पास राह क्या है जो संभालूं? बस रिलैक्स, वी विल हैंडल दिस। निराली जी मुझे तो पहले ही आइडिया था दैट ही इज अप टू समथिंग। अप टू व्हाट? मैं कहने का मतलब है कि पढ़ा लिखा हूं ना तो आइडिया है कि ऐसे वो प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा सकते, इतना आसान नहीं है, और अब तो क्लेम भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली निराली जी, उससे फ्रॉड किए, सीधा सीधा झूठ बोले, हम पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हैं। हाँ, और एक बहुत अच्छा लॉयर मेरा दोस्त भी है एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, एंड देन सोशल मीडिया, निराली जी पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्लीज मत बोले, हम उसकी वीडियो बना के उसको वहां भी एक्सपोज कर सकते हैं।
एग्जैक्टली वो क्या समझ रहा था कितना आसान है हमें बेवकूफ बनाना। हाँ बस करो बस, ये अपने आइडिया अपने पास रखो, मेरी इजाजत के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा, समझे हो? पर निराली जी ऐसे तो बस करो तुम, रुक जाओ, ये हमारे घर का मामला है और मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि निराली को निराली के खानदान वालों ने बेवकूफ बनाया है। हैं? मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्ची कुछ इज्जत जो है ना वो निराब हो, दुनिया को कुछ भी पता चले। हाँ मॉम फिर हम करेंगे क्या? मजाकरात। मजाकरात मतलब ये कि 5 बजे का इंतजार करूंगी मैं, इस वक्त उसका पलड़ा भारी है, घर उसके नाम है, पर हम कोई फजूल कदम नहीं उठा सकते, बाद में हमें पछताना पड़े, पता नहीं उसके ज़हन में दिमाग में क्या है, जाके देखते हैं 5 बजे वो कहता क्या है। पर निराली जी एक बार बस कर तो मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बड़े परेशान हो, बस कर हैं, मेहरबानी तुम्हारी, इसने निराली से पंगा लिया है, अब निराली इसका सामना करेगी, इसका काम तमाम करेगी। ठीक है मॉम, जैसा आप बेहतर समझे। अच्छा आप नहीं परेशान हो, हम कोई ना कोई इसका सलूशन निकाल लेंगे, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ, दवाई का वक्त हो गया। हाँ तो दुआ दादी प्लीज रिलैक्स। बंटी क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रहे हो? जोया जी मुझे लग रहा है हम सब जाने वाले हैं। जाने वाले? किसने कहा? वो जब शीते जी ने नमूना पैदा किया ना टाइगर, उसने कहा है। कोई यहां से कहीं नहीं जा रहा, और अगर कोई जाएगा ना तो वो टाइगर जाए। ये कैथियस ब्रेच, आपको पता नहीं है वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी हिस्ट्री तो देखें आप, मुझे तो लग रहा है हम सबको टपका के यहीं गाड़ कर जाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। देख बंटी ड्रैग हो गए, इतना तो लिखा भी नहीं हुआ। अच्छा तो फिर सिर्फ मैं ही जाने वाला हूँ यहाँ से, मेरा क्या बनेगा? लगता है ऊपर वाले ने मुझे सजा दी है। क्यों सजा देंगे तुम्हें अल्लाह जी? क्योंकि मैंने दिहाड़ियां बहुत लगाई है ना। ठीक है आज मैं अपनी तमाम दिहाड़ियों का एतराफ करता हूँ। वो जो सब्जी लाया करता था ना मैं, उसमें से 150 रुपए मार लेता था, और वो तो आपने देख ही लिया था, दूध में उंगली डाल के मलाई भी बहुत खाई है मैंने। और एक बात बताऊं आपको, शीते जी और पप्पू जी है ना, उनको मैंने कई बार अपनी झूठी चाय भी पिलाई थी। डिस्गस्टिंग बंटी, घटिया इंसान। चलो भाई लाउंज में इतने काम है वो जाके करो, और आके सब्जी भी काटो, चाय बनाने लगी हूँ। चाय भी तुमसे बनवाती तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा। झूठी चाय कौन पिलाता है? यार ये उर्दू पोएट्री का भी अपना ही स्वैग होता है। अब मेरा मतलब है महबूब की काली काली जुल्फें, तीखी आंखें इधर उधर फिरती हैं तो ऐसा लगता है कि तीर ही तीर बरस रहे हैं हर जगह। अभी तो बहुत तीर गिरने हैं टाइगर साहब, हिम्मत बांध के बैठो। हाय हमारी हिम्मत कहाँ रहती है जब आपको देख लेते हैं सारी की सारी निकल जाती है। अरे ये चाय तो निराली जी की है। तो क्या हो गया, मंटी बनाकर देखो, लाओ दो मुझे। जोया चाओ चाय जाकर निराली जी को दे दो, मांग रही हैं इसको चाय मैं बना दूँ। वाह शौकी जी, हमारे शौकी जी को काम करने का बहुत शौक है। नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ वर्क। चल पुत्र इधर आ, इधर ये मेरी लेसेस खोल। शाबाश। खोलने को तो मैं बहुत कुछ खोल दूं बेटा। घटिया के घटिया इंसान ही हो तुम। ए हेलो मैडम, घर का नौकर है, तनख्वाह लेता है, मुफ्त में नहीं कर रहा, और मालिकों का हुक्म मानना इसका फर्ज है। क्यों बेटा? औकात बेटा, औकात। औकात मेरे अपने, क्योंकि अभी तुम मेरी औकात से वाकिफ नहीं है। सुना सुना सा लफ्ज लग रहा है, और थोड़ा बहुत पता भी है मुझे।
बेटा इज्जत से अपनी असलियत सबके सामने फाश कर दे, वरना मैंने फाश किया जिस दिन तेरा मुझे बायोडेटा मिल गया। तू जिस भी बाप की औलाद है, तेरी ये नौकरगिरी जो है ना, घसीट घसीट के इस घर से निकालूंगा मैं, समझा? चंगी तरह जानना बेटा किस काबिल है तू। तुझे क्या लगता है बायोडेटा निकालना सिर्फ तुझे ही आता है? अच्छी तरह जानता हूं मैं तुझे, जिस दिन वक्त आएगा ना चूहे की तरह बिल में घुस जाएगा। बस I own this house। ज्यादा टटर मरकर मेरे सामने मेरा दिमाग शार्ट हो जाएगा। टाइगर एक बार बोलता है अगली बार सीधा फायर मारता है। ओए फायर मारता है, सिर्फ बातों से ही फायर मार सकते हो तुम। ये अच्छे और महंगे कपड़े पहनने और गलत अंग्रेजी बोलने से ना तुम्हारी घटिया सोच नहीं बदल सकी। और ये जो झूठ और धोखे से तुमने घर हासिल किया है ना, खुद को मालिक बनाकर बैठे हुए हो, औकात तो तुम्हारी ये भी नहीं। तुम कल भी चोर थे, तुम आज भी चोर हो। चलो शौकी, और ये अपने तस्मे बांधने के लिए ना किसी नौकर को हायर कर लो, ये तुम्हारा नौकर नहीं है। स्टाइल में बोला है लड़की ने, आई लाइक इट। बोलसा हाउस नंबर तो यही है यार, साइन कर दे प्लीज। ला साइन क्यों करो भाई? साइन नहीं करोगे तो पार्सल नहीं मिलेगा आपको। अरे यार फ्रॉडिया जो है ना, साइन करने के इसी तरह के बहाने ढूंढता है। साइन वाइन नहीं कर रहा मैं। सही बता, तुम कहीं टाइगर के शागिर्द तो नहीं? टाइगर कौन? टाइगर भाई कौन? टाइगर निराली जी का इतना बड़ा घर हड़प कर गए हैं? गखर मंडी में छोटा सा मेरा एक गरीब खाना है, उसको भी हड़प करना चाहते हो क्या? समझते हैं बंटी को इंग्लिश विंग्लिश तो आती नहीं होगी, तो साइन करवा दूंगा और जायदाद अपने नाम कर लूंगा। है ओ भाई पागल पागल हो क्या? पागल का ना, पागल क्या रहा मुझे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे कब पकड़ने वाला नहीं है, वरना मार मार के ना तेरे लहूला। क्या हो गया बाबली? क्या कब से बकवास सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो मुंह में आए वो बोल दो। एक मिनट यार, है कौन ये? पता नहीं क्या साइन वाइन करवा रहा है ये मुझसे। अरे पास। अच्छा वो मोहब्बत में पकड़ लिया। सॉरी यार, क्या है ना, एक दिन ऐसे इसकी साइन लेके कोई इसकी सारी जायदाद खा गया, तब से बावला ऐसा ही है, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है इसका। लाओ ना मैं साइन कर देता। देख के करना भाई। केला। थैंक यू। थैंक फाइव। हेलो। मुझे पागल क्यों कहा? और भाई साहब थैंक यू। थैंक यू। पागल क्यों कहा मुझे? ऐसे ही लोगों के साथ बदतमीजियां करता रहा ना तो डंडे मार मार के ना कोई असल में दिमागी तवाज़ुन खराब कर देगा तेरा। पराठे आते हैं मुझे मोड़। पराठे के लाने के कोई काम किया तूने? कहां जा? आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलेन हूँ। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। आई लव यू। हाँ मैं। तुम नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। ये सही है, कल तक नेमत और आज सजा। हालात बदलते हैं, रंग बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं। और कुर्सी में बैठने वाले भी बदल जाते हैं। ओ दस बेनू, चांदा की है। यही बहुत बड़ी गनीमत समझें कि मैं आपको यहां रहने दे रहा हूं, इज्जत से और एहतराम के साथ। दिस इज वेरी अगेंस्ट टू बिच्छू नेचर। जिस तरह आपने हमें मौका दिया है हमारी असलियत जानने के लिए, मैं भी आपको एक मौका दे रहा हूं। तू मुझे मौका देगा? पोपो, वी ऑल आर इन अ फैमिली। कमीनगी रनिंग इन आवर ब्लड। पोपो एक काम करते ना, बिजनेस में बार्टर बार्टर खेलते। मैं आपको कुछ देता हूं, बदले में आप मुझे कुछ दें। चलिए घर ले लें आप।
लेकिन घर के बदले में मुझे आपकी बेटी चाहिए, सोया। पप्पू, मैं कौन सा आपसे कोई बड़ी चीज मांग रहा हूं, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दें। किडनियां पहले ही पत्थरों की वजह से फेल हो गई, और ये ना हो कि ज्यादा सोचने की वजह से दिमाग की नस पड़ जाए। Come on, quick, quick, fast decision making. वैसे भी मैंने कौन सा आपसे कोई सगी बेटी मांगी है? आपके लिए तो फैसला करना बहुत आसान होना चाहिए। हमेशा सौतेली समझ कर जुल्म किया है, एक सुन और सही। तीन घंटे का अल्टीमेटम है आपके पास, योर टाइम स्टार्ट नाउ। निराली जी, खाना गरम कर दिया मैंने, आएंगी या ले आऊं, कमरे में ले आऊं? हमेशा सौतेली समझकर जुल्म किया है, एक सुन और सही। क्या बात है निराली जी, जब से आपने टाइगर से बात की आप चुप चुप हैं। कुछ हुआ है, कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम जाने आ राली जी, अगर कोई बात है दिल में, कुछ कहना है, मुझसे कह सकती हैं आप। राली जी, अगर वो कोई बकवास कर रहा है, आपको धमका रहा है, तो एक बात याद रखिएगा, चाहे आपके साथ कोई और हो या ना हो, मैं इस मुश्किल वक्त में आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये जोया का वादा है आपसे। आप शायद भूल गई हो मुझसे बेटियों वाला प्यार करना। पर मैंने आपसे मां वाली मोहब्बत की है। पाक मोहब्बत, मैं आपका यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। जानती हूं मैं, सब सब कंट्रोल में है, ठीक है। मैं आ रही हूं खाने के लिए, जाइए। हाँ भाई, छोटी रोटी खाइए। बैठ जा। ना ना, खवातीनों हजरात, टाइगर सर ने ऐलान किया है कि उनके आने से पहले जो है ना, आप में से कोई भी यहाँ नहीं बैठेगा। मैं बता रही हूँ आपको, अब कंफर्म हम सब जो है ना, टाइगर जी के स्लेव हो गए। अच्छा, अपने पुत्र दे स्लेव। आप लोग सब खड़े क्यों हैं? बैठे मॉम पॉप्स? वो टाइगर सर, हाँ? सब आपकी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, आप कहेंगे तो वो बैठेंगे ना। ऐसा क्या? जी जी। आ, 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 ओके ओके, सिट सिट। अरे फुफोस, यू आर आल्सो हियर, प्लीज सिट डाउन। एज यूजुअल आप अनवेल रहती हैं, प्लीज सिट 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 सिट। अच्छे अच्छे अच्छे, चोटी बह जाएगी। अच्छे, चल कोई गल नहीं। अच्छा बात, बैठ बैठ, चल चल मक्खू, उधर जा तू, उधर बैठ जा, चल ना।
वैसे भी भतीजे से दामाद का सफर थोड़ा ही रह गया है प्रपोज। तुम्हें क्या लग रहा है हम सब यहाँ पे तमाशा ही है, बैठ के तुम्हारा तमाशा देखेंगे? हाँ नहीं 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 नहीं, आप तो मेरी कजन हो, फुल अथॉरिटी है, फुल परमिशन है, कम कम कम, आई मीन सिट। तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाने का मतलब है कि अपना दिल खराब करना जैसे कि तुम खाना खाते हो, तो आप लोग सब बिस्मिल्ला करें। और वैसे भी जिस खाने में सांप ने खाना खा लिया वो जहरीला हो जाता है, मुझे नहीं खाना। मॉम मैं और जोया बाहर जाके खाना खा लेंगे, प्लीज आप लोग एंजॉय करें। अरे बाय बाय बाय। तो ये समझ नहीं आ रही कि सब कुछ हो ही क्यों रहा है और क्यों माने हम उसकी बात। निराली जी ने कुछ ना किया इस बारे में तो ठीक है, मैं करूंगी। और तुम क्या करोगी? पुलिस के पास जाऊंगी। और उसके बाद भी मुसीबतों के सारे पहाड़ तुम पर ही टूटेंगे। कभी सोचा है जब निराली जी पूछेंगी मुझसे पूछे बगैर ये सब क्यों किया तो क्या जवाब दोगी? शौकी बिल्कुल ठीक है, तुमने देखा नहीं हाउ क्लेवर ही इज, कैसे चिल्ला रहा था। हमें भी ना उसके साथ बहुत चलाकी से काम लेना होगा। एंड शौकी पेपर्स का क्या, उस पे सिग्नेचर कैसे आए? लिसन रिहान को इसी काम पे लगाया हुआ है, आई एम श्योर आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि सारा माजरा क्या है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कोई कुछ बुरा होने वाला है। आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अंडर स्ट्रेस, बट हम सब साथ हैं ना, देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आने दो, जिस भी तूफान को आना है मैं हूं ना, देख लेंगे। लेट्स ईट, खाना खा ले। खाना अच्छा था। बताया तो था कि चाचा का आज का खाना कितना मशहूर। वाह 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 वाह, लगता है भूख इतनी लगी थी कि खाते खाते रात को दो ही बजा दिए तुम लोगों ने। क्यों, इस बात से भी कोई तकलीफ है तुम्हें? हाँ हाँ तकलीफ तो होगी ना, घर में जवान लड़कियां हैं और घर के नौकर के साथ आधी रात को कहां से हार। वेरी शेम शेम मच। थू, तुम दोनों अंदर जाओ। शुकी, मैंने कहा ना अंदर जाओ। बड़ा तुरंत खान बनता फिरता है तुझे, जो भी बकवास करनी होती है ना अपने जेंडर वाले लोगों के सामने किया कर, ये लड़कियों के सामने क्या बकवास करता रहता है। हाँ भाई तेरे भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर है और हीरो बनने का भी शौक है तुझे, तो एक काम करते हैं, तुझे मैं एग्जैक्टली 18 घंटे दे दूँ, एक बार फिर एक बॉम्ब फाड़ने लगाऊँ, मालूम करवा सकता है तो करवा ले। शौकी तुम कब आए? तभी जब आप अपनी मेडिटेशन में बिजी थी। हाँ मेडिटेशन हो ही नहीं रही, मेडिटेशन दिमाग में भी सब घूम शोंगे, समझ नहीं आ रहा। समझ सकता हूँ, पर यही तो उसकी जीत होगी ना अगर वो तुम्हारे आवाज पे सवार रहे थे। कुछ
भी हो जाए, आई कांट लेट हिम विन। प्रोफेसर शौकी, पता नहीं उसने निराली जी को क्या कहा है, वो तब से ही चुप है। खतरे की घंटी बांध रखी है उसने, पर इससे पहले कि वो कुछ और करे, we'll have to find out what he's up to. कुछ किया उसने? कुछ कहा है? या कल वाले वाक्य के बाद भी धमकी देकर गया है कि 18 घंटे में कोई नया बॉम्ब फोड़ेगा। अब वो क्या करने वाला है ये पता लगाना है बस। कैसे पता लगाएंगे? अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। पता तो मैं लगा के ही रहा हूं। फॉर दैट मुझे डैड को मिलना पड़ेगा, सो मैं बस अभी घर जा रहा हूं, ऑफिस में मिलता हूं तुमसे। हाँ किस मुश्किल में फंसा दिया मैंने बेचारे को। कैसा? ठीक ठाक। क्या हाल? ठीक। कपड़े कहाँ? गाड़ी में। Anyway, चल ज्यादा टाइम नहीं। लगता है बच्चे डर कर बिलों से बाहर निकलकर बुलबुला उठे हैं। कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? फॉलो करना तो बनता है आगे के मामला जानने के लिए। तुम मुझसे लिख कर ले लो, जो कुछ भी हो रहा है ना निराली के साथ सब मकफात है अमल है। पहले बेचारी की तबीयत खराब हो गई और अब ये सदमा, और सदमा भी वहां से मिला जिसके पीछे उसने पूरी जिंदगी गुजार दी। मुझे नहीं पता है मकफात अमल है या नहीं, ऑल आई नो इज कि उस घर को बचाना जरूरी है। क्या जरूरत है बेटा, अल्लाह ने जोया का और तुम्हारा रास्ता आसान कर दिया ना। अरे निराली की अकड़ टूटी है, अब वो झूम भी नहीं करेगी तुम्हारे और जोया के रिश्ते को लेकर। मैं ऐसा नहीं सोचता, अगर मैं भी ऐसे ही सोचने लगा तो मुझ में और टाइगर में क्या फर्क रहेगा। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ी घमंडी है, पागल सी है, लेकिन जो भी है शी इज पार्ट ऑफ वेस्ट फैमिली। मैंने उस घर का नमक खाया है। तो क्या करोगे आप? कुछ भी करके उस मनहूस इंसान के साए से उस घर को बचाऊंगा। सोया की खुशी भी इसी में है। मैं देखती हूँ शायद तुम्हारे डैड आए। जी कौन है आप? तो मैडम मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मर्दमशुमारी इंडेक्स का सीनियर सिटीजन ऑफिसर विदाउट एनी डाउट। तो मसला क्या है? इसलिए तो बहुत है आंटी, गैस का मसला, पानी का मसला, बिजली का मसला। खैर आप मुझे फैमिली मेंबर्स के नाम बता सकती हैं जो इस घर में रहते हैं? एक इकलौता बेटा है हमारा,
और कुल मिलाकर हम फैमिली मेंबर रहते हैं। बेटा हमारा अक्सर बाहर रहता है। वाह क्या बात है। अब क्या आपका बेटा चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया कहाँ रहता है? घर से बाहर रहता है। लगता है मैडम आवारा बेटा है आपका। फिट है मुंह तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं है आवारा, बहुत सुलझा हुआ, समझदार और फरमाबरदार बेटा है हमारा। ओह वेरी नाइस, बिल्कुल मुझ पे गया है। खैर आप मुझे ये बताएं कि आपके बेटे का नाम? शाहरुख। मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी घर में शाहरुख बोलते हैं और प्यार से मुझे किंग खान टाइगर बोला करते। मेरे वाला शाहरुख जो है ना, असली वाले शाहरुख से टॉल टॉल डार्क एंड हैंडसम, नाम शाहरुख है लेकिन हम प्यार से शौकी बोलते हैं। आंटी आप तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो गई। हाँ ठीक है मैडम, मैं एक काम करता हूँ, आपका और आपके हस्बैंड का नाम भी दर्ज करता हूँ ताकि रिकॉर्ड पूरा मुकम्मल हो जाए। ठीक है कौन था वो? मर्दमशुमारी वाला था कोई फिसान। तारा कुछ कह रहे थे? हाँ वो मैं ये बता रहा था कि वो बिल्डिंग और वो सारी जमीन जो थी वो पहले सेठ साहब के नाम पे थी, फिर उन्होंने जमीन का कुछ हिस्सा जिसमें ये घर भी शामिल है जोया की माँ के नाम कर दिया था। जब जोया की माँ गुजरी तो वो घर जोया के नाम हो गया। तो मतलब निराली जी ने इसलिए जोया को अपने पास रखा क्योंकि वो घर उसके नाम था? ये तो मैं नहीं जानता कि वो जानती थी या नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल कस्टडी जो है उस घर की वो निराली जी के पास ही होगी और उन्होंने सोया से वो घर अपने नाम करवा लिया होगा। और फिर टाइगर ने उन्हें बेवकूफ बना के पेपर्स पे साइन ले लिया और घर अपने नाम करा लिया। क्योंकि सोया इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन करती। मोना हो डैड, ये कोई बहुत बड़ा कांड प्लान कर रहा है। डैड मॉम मुझे जाना होगा। इससे फौरन मैं आता, आप समझे इससे रात में आ गया है, बस बाकी की रस्सी लपेटना बाकी है। I'll see you guys. शौकीन मेरा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं इन चीजों में, जायदाद पैसा, तो मैंने पूछा ही नहीं उनसे कि घर एक्चुअल में किसके नाम पे, और अगर मेरे नाम पे भी है तो मेरा सब कुछ अलीना और नरानी जी का ही है। व्हाट डू यू थिंक, मैं मॉम से बात करूं? नहीं, तुमने नरानी जी की हालत देखी है? वैसे जो हालात चल रहे हैं उसमें तुम भी उनकी इंटेरोगेशन करने लग जाओगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें यार। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं मैं। क्या इंफॉर्मेशन? एक लॉयर है और दो नंबर आदमी है। दो नंबर? जी हाँ, लोगों को फ्रॉड में उनकी मदद करता है, जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं सबको डॉक्यूमेंटेशन बना के देता है, सब उसी के पास जाते हैं। और तुझे पक्का यकीन है कि टाइगर उसी के पास जाता है? जी हाँ बिल्कुल, लोगों से यही पता चला है और मुल्क छोड़ने से पहले दोनों की बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। फोन नंबर, एड्रेस, एनीथिंग? सब कुछ है। अच्छा शौकी मैं भी चलूं साथ? नहीं, ऑफिस में जरूरत होगी आप लोगों की और वैसे भी वहां जो होगा तब देखना नहीं चाहूंगी। लेट्स गो शौकी। हमें तो लगता था हमसे बड़ी फिल्म आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। शाहरुख असल में निराली हाउस में काम करने वाला शौकी है।
जो काफी अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, बट नौकर ही क्यों बना वो? क्यों? ये न्यूज तो पॉप्स को ब्रेक करनी पड़ेगी। लोचा कुछ और है मामे, अब आएगा मजा। टाइगर, नाउ द वॉर बिगिंस। मुझे क्यों मार रहे? मुझे क्यों ले रहा है? कहाँ हूँ मैं? चांदनम से बस थोड़ा ही। तू छोड़ो, पहले ये बता टाइगर को कैसे जानता है? कौन टाइगर? कार्ट टाइगर। कौन टाइगर? बता। याद आया? टाइगर मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है टाइगर। बचपन का दोस्त? निराली का घर उसके नाम कैसे किया? अब की बार सीधा जवाब नहीं दिया ना तो थप्पड़ नहीं, सीधा गोली मारूंगा। छोड़ेंगे नहीं बेटा, पकड़ेंगे, पुलिस वाले पकड़ेंगे तुझे। समझ में आ रहा है? काम पक्का करना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। पॉप्स 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 कहीं लुढ़क तो नहीं क्या? हाँ शुक्र है पाचा। तो ओ की होया, तुम्हारा पाकिस्तान बढ़ गया की? वेकअप पॉप, वेकअप, पाकिस्तान आ गया है। किथे पाकिस्तान? किधर गया ऐसी? कम ऑन पॉप्स पॉप्स, आप सोते रह जाएंगे, सोते सोते ऊपर चले जाएंगे, घर के नौकर सब कुछ चोरी करके शॉर्ट हो जाएंगे। ओए फिर कुछ होया है? डैड नो, टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू नो मिस्टर शौकी बैकग्राउंड? शौकी नो, मैं लंबा है, पतला है, काम भी ठीक करता है जी यार। मेरा मतलब है डैड, आप वो कहाँ रहता है, उसका घर बार कहाँ है, यू नो हिज हिस्ट्री बैकग्राउंड फ्यूचर पास्ट एवरीथिंग यू नो। है तो सानू कुछ नहीं पता यार, ऐ क्यों पूछ रहे हैं यार कि नवी इंफॉर्मेशन आई है? यस डॉड, यू विल शॉक, ट्रूली शॉक, वॉच दिस। ओ पागल दिया पुत्रा, पंजाबी दस। अरे ये तो देखे आप, देखे तो सही, यू आर ट्रूली शॉकी, करोड़पति बच्चा, बहुत पैसा, बिग बिग बंगला, बुटीक, बैंक्वेट, एवरीथिंग, बैंक, मनी मनी। वो वाकई ऐसे शौकी है? ऐसे मीन है? इसका मतलब है शौकी बड़े साहब जेड़े से ना मरूम, उनका मुलाजिम जेड़ा सी, ओदा पुत्र है? यार की जबरदस्त इंफॉर्मेशन ले आके आया तू, ऐसे बड़े खिलाड़ी निकले यार, ये ते कोई वड्डा ही काम दिखा चुके हैं। ओए तद मारे ते मैं सोचा कि शौकी नु हर वेले वेख के मेरी आंख क्यों फड़कदी है। ओए इन्होंने तो बड़ा लंबा हाथ मारे है, ये सारा चक्कर चलाया इन्होंने। चल पुत्र चल, निराली नु दसी है। नॉट टू छेती डैड, नॉट टू छेती। क्यों? दिस इज यू नो सरप्राइज,
नौकरों का जनाजा है, जरा धूम तो मचेगी ना। जा गया मेरा पुत्र, तू तो जा गया। निराली जी, दवाई खा ली थी आपने? हाँ खा ली है। सोए, तुम ऑफिस से कब वापस आती हो? जिस टाइम काम खत्म हो जाए तब। वेरी वेरी हार्ड वर्किंग वुमन। अच्छा, ये तुम्हारे ऑफिस के बॉस भी दूसरे बॉसेस की तरह है, खड़ूस और वो गंदे किस्म के? नहीं नहीं, क्यों? अच्छा कोई नहीं। अब वैसे सुना है कि ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। हैवी पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, डिपेंड करता है कि आप अपने काम पे कितना ध्यान दे रहे हैं। हाँ सर, ये जाते जाते दरवाजा बंद कर देना और नीचे जरा काम भी सारा देख लेना। मैं सोना चाहती हूँ, तू भी उन जा जा। अरे प्रपोज, व्हाट आर यू डूइंग? हैव सम मर्सी फॉर क्यूट गर्ल, शी इज क्यूट लाइक मी। अब अरे अभी ऑफिस से आइए। वो गाय मेला, वो शौकी किधर है? वैसे ये शौकी पूरा दिन नजर नहीं आया। मैनू भी नजर नहीं आया, पता नहीं कितने मुंह लुका के फिर रहा है। वो तो यही है निराली जी। मैं बोल देता हूँ जाके। नहीं मैं बोल दूंगी। की हो गया है, की हो गया है, इत्थों जाओ। जिसने जिसको जो भी बोल रहा है ना, वो बोल दे, मैनू सोन दे, आराम करन दे। चलो शाबाश। Suppose you know I care for you. Yes, get out now if you care. चल। But still I love you. कहाँ थे तुम? नंबर क्यों बन जा रहे? वो बैटरी डेड हो गई थी। क्या हुआ, काम हुआ? हाँ हो गया, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। कौन पूछ रहा था? वो टाइगर है उसका बाप, और कोई भी पूछ रहा हो ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली? आई गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या कहा उस आदमी ने? फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि इस पूरी कारस्तानी के पीछे सिर्फ ये टाइगर नहीं, उसका बाप भी है। शीता अंकल। क्या? फिलहाल तुम अंदर जाओ, किसी ने मैं ऐसे खड़े हुए बात करते हुए देख लिया ना तो खामखा का तमाशा लग जाएगा। तुम जाओ अंदर कमरे में, मैं बाद में बात करता हूँ। गो। Hijkaave, hijkaave।